आज मैं आपके लिए गुथे हुए आटा का ऐसा नया नाश्ता लेकर के आई हूँ जिसे हम बिना तेल के बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं। इतना नया नाश्ता है कि आप इसको बनाए बिन तो रह नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये ले लिया है गुथा हुआ आटा। हमें बहुत ज़्यादा आटा की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही आटा चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग जब रोटी पूरी पराठे बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो आटा बच ही जाता है। तो अगर आप आटा में नमक घी तेल कुछ भी नहीं मिलाते हैं तो बस इस आटा में ऊपर से थोड़ा सा नमक और घी या फिर तेल भी आप डाल सकते हो, दोनों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप पहले से मिलाते हैं तो ये स्टेप करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने अच्छे से दोनों ही चीज़ों को मिला लिया है। नमक आपको स्वाद अनुसार ऐड करना है। अब हमें इस आटा की लोइयां बना के तैयार करनी है। तो पहले हम इसको रोल कर लेते हैं और अब हम इसकी लोइयां काटेंगे। लोई का जो साइज़ रखना है वो उतना रखना है जितना हम पूड़ी के लिए रखते हैं। इन लोइयों को अब हम अच्छे से इस तरह से चपटा कर लेंगे, यानी कि लोई के पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम इन लोइयों को रख देते हैं साइड में। फटाफट से हम एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ले लिए हैं आधा कप भीगे हुए चने, यानी कि फूले हुए चने। यहाँ पर आप चना दाल का यूज़ भी कर सकती हैं, ठीक है। जो भी इन दोनों में से आपके पास हो आप ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, कोई अलग अलग नहीं है। चना दाल भी चने से ही बनते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन भिगोए हुए चने को ट्रांसफ़र करेंगे एक ग्राइंडिंग जार में। इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्च, लगभग ये दो हरी मिर्च के बराबर है, काफ़ी बड़े साइज़ की थी। एक मुट्ठी इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं और थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा हम पानी डालेंगे और अब अच्छे से हम चने को पीस लेंगे। तो यहाँ पर हरा धनिया डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए हमने चने को बढ़िया से पीस लिया है और इसका बढ़िया पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट को निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर और बिल्कुल ज़रा सा, थोड़ा सा, एक चौथाई चम्मच से भी कम गरम मसाला। साथ ही में हम इसमें डालते हैं हींग। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है चने की रेसिपी में। साथ ही में हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ अदरक और ये मैंने ले लिया है बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज से ना क्रंची सा फ्लेवर आएगा और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो हमारी जो चना की फिलिंग है बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सेम ऐसी ही फिलिंग आप चना दाल की भी बना के तैयार कर सकते हैं। दोनों का टेस्ट सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो चलिए फिलिंग रेडी है। यहाँ पर हमने जो लोइयाँ बना के रखी हुई थी इसमें हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। अब बस इस लोई को हम बेलन की मदद से बेलेंगे। बिल्कुल पतला बेलना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बस उतना ही पतला बेलना है। तो यहाँ पर मैंने इसको देखिए बिल्कुल रोटी के साइज़ का ही बेल लिया है, एकदम पतला है। अब हम क्या करेंगे, चाकू की मदद से इसके किनारे को अलग करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा, सर्कल से सीधे रेक्टेंगल बन जाएगा। अब ये जो हमारी चने की फिलिंग थी ना, इस फिलिंग को हम लेंगे और इसके ऊपर, इस रेक्टेंगल के ऊपर बढ़िया से फैलाएंगे। तो मतलब किनारे पर थोड़ा सा हमें छोड़ते हुए फैलाना है इसको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने फिलिंग को पूरे रेक्टेंगल शेप में फैला लिया है किनारे पर छोड़ते हुए। ये मैंने स्टील की एक चम्मच ले ली है, यानी स्पून ले ली है, ठीक है। स्टील की ही लेनी है, प्लास्टिक वगैरह की नहीं लेनी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बस चम्मच को हमें किनारे पर रखना है और इसको फोल्ड करते जाना है, यानी कि इस तरह से रोल करते जाना है, ठीक है। रोल करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको उठाना है चम्मच को और इसकी जो किनारी है, ये देखिए ना दोनों किनारी हैं, इनको इस तरह से दबा देना है, अच्छे से ज्वाइंट कर देना है, ठीक है, चिपका देना है। कुछ नहीं लगाना पानी वगैरह, सिर्फ आपको दबाते हुए इसको चिपकाना है, ये अच्छे से चिपक जाएगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट, ये हमारी चम्मच में बढ़िया से सेट हो चुकी है। तो इसी तरह से मैं आपको एक और फटाफट से बना करके दिखा देती हूँ। बस लोई को बेलना है रोटी की तरह, एकदम पतला। इसके किनारे की एजेस जो हैं उसको अलग करना है ताकि रेक्टेंगल शेप आ जाए और जैसे हमने पहले बनाया था सेम वैसे ही इसको हमें बना लेना है। फ्रेंड्स मेरी आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की गुथे हुए आटा की ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है उसे ज़रूर दबाइएगा। पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी बटन दिया गया है उसे भी आप दबा सकते हैं।
लेकिन करिएगा ज़रूर, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से फिलिंग को फैला लिया है, बस स्टील की चम्मच को हमें रखना है और इस तरीके से अच्छे से दबाते हुए हमें इसको रोल करते जाना है। ये देखिए कितना आसान है इसे बनाना, और आखिरी में ये जो किनारे हैं इनको हमें वहीं के वहीं चिपका देना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट। तो इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। ये बहुत अच्छे से स्पून के साथ सेट हो चुके हैं, बढ़िया इनके अंदर फिलिंग भी भरी हुई है। फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें लगभग 1.5 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी को गर्म होने देना है, जैसे ही इसमें भाप बनने लगे, बबल्स जैसे दिखने लगे, तो हमें तुरंत ही इसमें ये जो स्पून है सीधे स्पून सहित ही नाश्ते को डाल देना है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम करनी है हाई, और हाई फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इनको हमें अच्छे से उबालना है। फ्लेम हाई पर ही उबालना है, लो पर नहीं। ये हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से पकते हैं और यहाँ पर इनको उबालने में थोड़ा सा समय देना है, लगभग आपको 7 से 8 मिनट का समय देना है ताकि ये कच्चे ना रहें, क्योंकि भाई ये गेहूँ के आटा के हैं, गुथे आटा के हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से उबालना ज़रूरी हो जाएगा और इसके अंदर हमने जो चने की फिलिंग भरी हुई है वो भी अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लगभग इन्हें पकाते हुए 7 से 8 मिनट का समय हो चुका है। तो चलिए अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद अब हम इनको करेंगे डीमोल्ड। तो इन्हें डीमोल्ड करना बड़ा ही आसान होता है, बस हल्के हाथों से आपको स्पून को खींच देना है तो ये बहुत ही आसानी से स्पून जो है निकल आती है। तो देखा आपने इनको डीमोल्ड करना कितना ज़्यादा आसान है। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर हमने जो गीली सी फिलिंग भरी थी ना वो कितने अच्छे से पक चुकी है। देखिए पकने के बाद ये एकदम ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, मतलब पिलपिली सी नहीं रहती है, गीलापन नहीं रहता है। तो बस इसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सिर्फ 2 पार्ट में इसको कट किया है, आप चाहे तो इसको छोटा छोटा सा कट करके रोल जैसे भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो नाश्ता है बिना तले बिना तेल का बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं भकोसे, ठीक है, चना दाल के भकोसे, लेकिन इसको मैंने चने से बनाया है। टेस्ट वही आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप चाहे तो चना दाल से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इन भकोसे को ऐसे ही खा सकते हैं बिना ऑयल के, बट अगर आप इसमें एक हल्का सा तड़का लगा देते हैं तो देखने में ये और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे, आपको चटनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बिना तड़का लगाए खाएंगे तो आपको इसमें मीठी चटनी या सॉस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसमें लगाते हैं कि स्पेशल सा तड़का। तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा तेल लिया है, इसमें राई डाली है और इन भकोसे को डाल करके हम हल्का सा फ्राई करेंगे लगभग 15-20 सेकंड के लिए। हमें इनकी मतलब ऊपरी लेयर को सेकना नहीं है, सिर्फ हमें इसमें तड़का लगाना है। तो बस उलटते पलटते हुए 15-20 सेकंड के लिए इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, साथ ही में हम डाल देंगे थोड़े से सफ़ेद तिल और थोड़ी सा रेड चिली फ्लेक्स। इसको डालने से ना अच्छा देखने में लुक बहुत अच्छा आएगा और हल्का सा तीखापन भी रहेगा ना बाहर से, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो लीजिए हमारे जो टेस्टी से तड़का वाले भकोसे हैं बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। गुथे हुए आटा या गेहूं के आटा का ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, झटपट से बनके तैयार हो जाता है। अचानक मेहमान आ जाए या आपको कुछ हेल्दी टेस्टी खाना हो तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, जिसे भी खिला देंगे तो ज़रूर पूछेगा आखिर आपने इसको बनाया कैसे है। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान देनी है, इनको उबालना अच्छे से है ताकि ये कच्चे ना रहें। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स ये देखने में कितने ज़्यादा यमी लग रहे हैं, जितने ये देखने में यमी है उससे कहीं ज़्यादा खाने में भी टेस्टी हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी है जो अनहेल्दी हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मेहमानों को सर्व करिएगा, अपने फैमिली वालों को खिलाइएगा, सभी मांग मांग के खाएँगे, सभी को इतना ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी खाने में कैसी लगी, बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए भाई फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।